हाय गाइस, नमस्कार। कामना, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा चेहरा पाने के लिए, एक दिल मुहासे को ठीक करने के लिए हल्दी, हल्दी त्वचा की समस्याओं से लड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे शक्तिशाली सामग्रियों में से एक है। ये जीवाणु रोधी गुण से भरा हुआ होता है, जो कि मुहासों में होने वाली जो समस्याएं हैं उन्हें रोकता है, मुहासे कम करता है। ये भी एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है, जो कि आपको लालिमा, सूजन से छुटकारा पाने में मदद करती है। पिंपल्स को ठीक करने के लिए आप हल्दी को त्वचा के उस हिस्से पर लगाएं जहाँ पे ये परेशानी हो रही है। हल्दी को दूध में मिला करके उसका अच्छे से पेस्ट बना लें और फिर पूरे चेहरे में अप्लाई करें। दूसरा एक और है कि मुहासे को ठीक करने में मदद करेगा शहद। शहद एक शक्तिशाली प्राकृतिक घटक है, जो कि आपके मुहासे से लड़ने में मदद कर सकता है। शहद बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है और आपकी त्वचा को साफ करता है। यह अनावश्यक गंदगी और बैक्टीरिया को हटाता है, फेस को, स्किन को साफ रखता है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत, त्वचा के लिए बहुत हेल्दी होता है शहद। पिंपल और दानों से राहत पाने के लिए सबसे अच्छा सरल उपाय है, अगर आप सनबर्न, दाने और मुहासे से जूझ रहे हैं तो सेब के सिरके की बोतल को अपने पास रखें, क्योंकि ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होता है। तो ये आपकी त्वचा के पोर्स को बैक्टीरिया, तेल और दूध से बचा कर रखेगा। इसे चेहरे पर सीधे अप्लाई करें और कुछ देर बाद पानी से धो लें। नींबू सबसे घातक है, जो कि आपका आप लगभग हर रसोई में आसानी से पा सकते हैं। नींबू का रस विटामिन सी से भरपूर होता है, जो कि हमारी त्वचा के लिए बेहद अच्छा होता है। ये मुहासे को ठीक करने में मदद कर सकता है और त्वचा को कोशिकाओं को हटा सकता है। और नींबू के रस को शहद के गुलाब जल के साथ मिलाकर अपनी त्वचा पर लगाते हैं तो ये और भी फायदा पहुंचाता है, स्किन को हेल्दी करता है। बेकिंग सोडा सौंदर्य लाभ हाल ही में लोकप्रियता हासिल की है। बेकिंग सोडा मुहासे के ब्रेकआउट और सूजन को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो कि त्वचा के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग करने के भिन्न तरीके हैं। आप इसे नींबू या दही या बास पानी के साथ मिला सकते हैं और पेस्ट को प्रभावित जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे उपाय हैं, हल्दी है और शहद है, नींबू है, बेकिंग सोडा है, बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं हमारे रसोई में मौजूद हैं, जो कि हमारे स्किन को, हमारे त्वचा को हेल्दी और बैक्टीरिया मुक्त रखते हैं। बस हमें उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। हल्दी तो बहुत ही अच्छी है हमारी स्किन के लिए।